दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। इसमें पहला खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह है कि नियोजित शिक्षक, बिहार के जितने जिले में नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, उन सारे नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र को सरकार ने तलब किया है। 1,10,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र अभी तक निगरानी को नहीं सौंपे जाने के लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों पर नाराजगी व्यक्त की है। इस बाबत विभाग के जिलों से शेष सभी प्रमाण पत्र तलब किया है। गौरव तलब हो कि हाईकोर्ट ने के निर्देश पर सभी नियोजित शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की निगरानी द्वारा जांच 5 सालों में की जा रही है। 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की 1,10,000 से संबंधित प्रमाण पत्र ही निगरानी को नहीं मिली है, इस कारण जांच अधूरी है। कहा जाता है कि कोर्ट में आवेदन डाला गया था, उसके आधार पर 9 जनवरी को सुनवाई हुई थी। प्रमाण पत्रों की जांच के मामले में लेकर पटना हाईकोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। 4 दिनों पहले इस मामले में सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब तलब किया था और आखिरी मौका दिया है। मालूम हो कि लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। दायर याचिका में कहा गया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और यानी नियोजन हुआ है। कहना गलत नहीं होगा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षक भारी मात्रा में नौकरी कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि निगरानी विभाग की जांच के दौरान अब तक 1,132 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। इस मामले में 419 प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। निगरानी का कहना है कि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने से इसमें देर हो रही है। निगरानी विभाग ने पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार विश्वास ने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक 1,10,000 फोल्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। निगरानी विभाग सभी प्रमाण पत्रों की जांच में जुटा है। वर्ष 2015 में निगरानी विभाग को शिक्षक नियोजन में चयनित शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सभी शिक्षकों के एक एक प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय के माध्यम से कराई जा रही है। इसके लिए बिहार सहित दूसरे राज्यों के बोर्ड व विश्वविद्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं, उसमें जिनके पास फर्जी प्रमाण पत्र हैं, उसके सत्यापन के लिए कोर्ट में दिए आवेदन के आधार पर आदेश के आलोक में बिहार सरकार अब सख्ती बरत रही है और कोर्ट के आधार पर अब नियोजित शिक्षकों की खैर नहीं, जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। उधर DLD कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन 21 से 16 तक ऑनलाइन करने की बात कही जा रही है। 2 वर्षीय DL Ed कोर्स में नामांकन के लिए 21 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे। 16 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया गया। कहा गया है कि कोविड के कारण यह सत्र विलंब से शुरू हो रहा है। उधर कटिहार में 5 विदेशी नागरिक को पकड़े जाने के बाद काफी कड़ाई से पूछताछ किए जाने से 5 व्यक्ति पर FIR करके जेल भेजने की बात कही जा रही है। ATS व क्राइम ब्रांच ने पूछताछ किया। बुधवार को SP विकास कुमार ने नगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कहा कि गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त अफगानिस्तान देश के पक्तिका राज्य के सारण जिला निवासी मोहम्मद दाऊद उर्फ शेरगुल, मोहम्मद कामरान उर्फ मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद फजल खान और उर्फ सुमत खान, मोहम्मद राजा उर्फ राजा खान, गुलाम मोहम्मद के रूप में हुई है। उन लोगों के पास से 5,02,000 नगद, 1 करोड़ रुपए का लेन देन से संबंधित कागजात, 15 मोबाइल, 3 ATM कार्ड, 1 क्लोन कार्ड, 5 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड,
एवं कई क्लोन आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, 4 बाइक जब्त किए गए। इस मामले में 5 अफगानी सहित मकान मालिक चौधरी मोहल्ला निवासी मोहम्मद मोनाजिर और 1 अफगानी नागरिक असलम खान के खिलाफ फॉरेन अधिनियम, मनी लैंडिंग अधिनियम व आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कहा जाता है कि मकान मालिक मोनाजिर फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उधर इंटरमीडिएट स्तर की बात अगर करी जाए तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर को होगी। परीक्षा पटना सहित 1 दर्जन जिले में होगी। इसमें 60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एडमिट कार्ड में कोरोना से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर प्रतिबंध है। परीक्षा में किसी दूसरे की सीट पर बैठने से परीक्षा रद्द की जा सकती है। उधर अन्य खबरों की बात मैं बताऊं आपको, पूर्णिया निवासी निर्माण कंपनी के मुंशी की हत्या बीते दिन कर दी गई। रानीगंज के मझुआ पूर्व पंचायत स्थित ढोंगा घाट पर पुल बन रही कंपनी एके कंस्ट्रक्शन के मुंशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात की है। मुंशी सज्जो यादव, जो 44 वर्ष के थे, पूर्णिया जानकी नगर के रहने वाले थे, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई। उनके चचेरे भाई ने उसे पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। उधर नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि गांव-गांव टोलों में सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराकर यह देखा जाएगा कि कहां कौन से टोलों में, गांवों में सड़कों की कमी है, कहां सड़क बनानी जरूरी है। इसलिए अविलंब सड़क बनाने के लिए आदेश जारी किया है। कहना गलत नहीं होगा कि नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार अपने वादे के मुताबिक अपने कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। उधर मैं बताऊं आपको कि सूबे के 146 अस्पतालों में एक्सरे मशीन लगाने की योजना अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है। बिहार में 146 जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में एक्सरे मशीन लगाने की योजना पिछड़ गई है। अब तक मात्र 15 अस्पतालों में ही एक्सरे मशीन लगाई जा चुकी है। वह मशीनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत लगाई जानी है। यह योजना मार्च से शुरू हुई थी, 31 दिसंबर 2020 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो चुका है। राजनीतिक गलियारे की बात बताऊं तो बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के संजय जायसवाल ने साफ किया है कि एनडीए में इस मामले को लेकर कोई विवाद नहीं है, समय रहते मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के गठन का 1 माह पूरा होने पर तंज कसा है। बुधवार को ट्वीट कर उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छल, प्रपंच और फरेब से बनी है। इस सरकार को 1 महीना हो गया। सरकार में शामिल भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई और रोजी रोटी एवं स्थायी नौकरी जैसे जन सरोकारी मुद्दा आधारित सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस नई सरकार को कई 1 महीने का समय और दे रहे हैं ताकि वह प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों के मांगों को पूर्ण करने, भ्रष्टाचार और अपराध काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण वाजिब सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता। कहा कि अगर विपक्ष का जवाब देने में दिक्कत है तो अपनी सरकार के मंत्री और जन प्रतिनिधि की शंकाओं का ही जवाब दे दे। उधर मास्क और हेलमेट
नहीं लगाए रहने के कारण कटिहार मनिहारी सड़क मार्ग पर मनसाही थाने के पास बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान हेलमेट मास्क नहीं लगाने वाले की धरपकड़ की गई। इस दौरान उन्हें जुर्माना भी लगाया गया। थाना अध्यक्ष राधे श्याम सिंह यादव ने चेकिंग अभियान का नेतृत्व किया। बिना कागजात वाले वाहन चालकों में भय व्याप्त हो गया था। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आगे भी वाहन चेकिंग अभियान जारी रहेगी। उन्होंने वाहनों के कागजात लेकर चलने की बात कही है। उधर कटिहार की मैं बात बताऊं कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना से बुधवार को एक बार फिर सदर अस्पताल कटिहार कलंकित हुआ। परसों कराने आई एचआईवी पीड़िता को सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में भर्ती नहीं लेने से प्रसव वार्ड के गेट के सामने ही चार चक्का वाहन पर प्रसव हो गया। इसके बाद परिजन आक्रोश जताने लगे। परिजनों को आक्रोशित होने के बाद आनन फानन ऑन ड्यूटी नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मी वाहन में ही प्रसूता का प्रसव कराया। लोक लज्जा के तहत कपड़े से घेर कर प्रसव कराया गया। प्रसव के समय के बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि समय पर भर्ती ले लिया जाता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। यह घटना बारसोई अनुमंडल के एक गांव के प्रसव कराने के लिए पहुंची महिला के साथ घटी है। कहना गलत नहीं होगा कि आए दिन कटिहार के सदर अस्पताल की शिकायतें आती रहती है। वहां नर्स डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने की बात कही जाती है। इस प्रकार की जो हरकतें अस्पतालों में होती है इस पर अंकुश कब लगेगा यह कहना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। पिछले दिनों प्रसव के मामले को लेकर ही वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता ने शिकायत किया था सांसद दुलाल चंद गोस्वामी के पास, तो दुलाल चंद गोस्वामी ने चाटा मारा था उस वीआईपी के कार्यकर्ता को। तो यह भी घटना काफी वायरल हुई थी और उन्होंने कहा था कि रुपया मांगने की बात सामने आई है। तो दोस्तों बिहार में नई सरकार बनी है, लोगों को उम्मीद लगी हुई है, लेकिन मनमानी हर जगह जारी है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।